हारमाफ्रोडाइटिज्म द एग्जाम्पल्स फर्स्ट द कंटेंट्स हेयर वी हैव सम एग्ज़ाम्पल्स ऑफ हर्माफ्रोडाइट दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर अर्थवर्म देंकेंड वन इज द मैंग्रोव किली फिश दर्ड वन इज द हेमलेट्स दैन द कलॉन फिश एंड दसिस स्टूडेंस ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं जिनके अंदर हारमाफोडाटिज्म एग्जिट करता है हम इनको बारी बनी थोड़ा सा इसके देखेंगे कि किस फार्म में हारमेफ्रोडाटिज्म एग्जिस्ट करता है अर्थवर्म अच्छा अर्थवर्म है या लीच है ये जो एनिलीड्स हैं इनके लिए हम जानते हैं कि ये ऑलरेडी आपने पढ़ा भी होगा एफ में भी अपने कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं और जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं इट मीन दैट इज द हर्मेफ्रोडाइट अर्थवर्म्स के लिए अगर हम देखिए अर्थवर्म के अंदर अगर इसको हम ऑब्जर्व uh, करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए तो इट इज़ हैविंग टू पेयर्स ऑफ टेस्टिस इसमें टेस्टिस के टू पेयर्स हैं जबकि वन पेयर ऑफ ओवरीज जो है वो एग्जिस्ट करता है अब नॉर्मली जो टेस्टिस हैं देवर प्रोड्यूस स्पर्म्स और ओवरीज जो है वो क्या करेंगे देवल प्रोड्यूस एग्स अब एक अर्थवर्म अपने स्पर्म्स और अपने ही एग्स से फर्टिलाइजेशन नहीं करता बल्कि क्या करेगा कि दो अर्थवर्म एक अर्थवर्म किसी दूसरे अर्थवर्म से मेटिंग करेगा और उसके बाद वो अपने गैमीट्स को एक्सचेंज करेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट स्पर्म जो अर्थवर्म है इट विल डोनेट स्पर्म टू द सेकेंड अर्थवर्म एंड सेकेंड अर्थवर्म विल डोनेट स्पर्म टू द फर्स्ट अर्थवर्म तो इससे दोनों आपस में क्या करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैमिट्स करेंगे फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी और उसके आगे जो है वो जी आगे अपने जो है नेक्स्ट जो उसका मतलब गैमीट्स के बाद जो आगे यंग वर्न प्रोड्यूस होंगे दे आर प्रोड्यूस बाई द प्रोसेस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहाँ हमारे डायग्राम में वी कैन सी दीज एंड टेस्टीज यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस वन दिज आर ओवरीज देश हमारे पास ओवरीज है, है हैं ओवरीज से थोड़ा सा आगे बैक साइड पर हम जाते हैं हमारे पास टेस्टिस के में वी आर हैविंग टू पेयर्स ऑफ टेस्टिस ये के टू पेयर्स हैं जबकि वन पेयर ऑफ ओवरी जो है इसके अंदर मौजूद है तो सेम एनिमल के अंदर हमें ओवरीज भी मिल रही हैं और टेस्टिस मिल रही हैं तो इस तरह से अर्थवर्म और जितने भी बाकी ओलिग्यो कीट्स होते हैं वो क्या है हमारे पास जो है दे आर दी हारमेफ्रोडाइट्स uh, सेम इसी तरह का जो है वो हमारे ओवरिज और टेस्टी जो है वो लीच के अंदर भी मिल लीच भी चूंकि एनिलीड्स है तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा दैट इज आल्सो हर मेफ्रोडाइट लेकिन वो किट्स में से नहीं है बल्कि वो हिरोडिनी क्लास जो वो बिलोंग करती है सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास हो जाए मैंग्रोव केली फिश मैग्रोव केली फिश ये वो फिश है ज्यादातर जो अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और इसके अलावा जो सेंट्रल अमेरिका के जो है वो वो जो कोस्टल जोन है या उसके साथ जो मिलती है हमें केली फिश के लिए कहते हैं कि दिस इज आल्सो हर मेफ्रोडाइट अच्छा इसके अंदर नॉर्मल जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है जैसे हमने कहा कि बहुत कम एनिमल्स हैं जिनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है तो किली फिश इज़ वन ऑफ दी मैंग्रोव केली फिश इज़ वन ऑफ दी एनिमल्स विच आर हैविंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन है और ये हर मेफ्रोडाइट्स की एग्जाम्पल हैमलेट्स है, है, हेमलेट्स है, जो हैं दे आर प्रेजेंट इन कोरल रीफ्स ये जो ज़रा करेबीन कोरल रीफ्स के अंदर मौजूद हैं या इसके अलावा गल्फ ऑफ मैक्सिको में अवेलेबल है जो हैमेलेट्स हैं इनके लिए ये प्रेफर टू क्रॉस फर्टिलाइज जिस तरह से अभी हमने देखा है इसके अंदर अर्थ के अंदर कि दो अर्थ आकर अपने गैमीट्स को एक्सचेंज करते हैं सिमिलरली जो हमारे पास हैमेलेट्स हैं ये भी एक हेमलेट के अंदर एग और उस दोनों चीज़ें मौजूद हैं लेकिन वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बजाय क्या करेगा दो हैमलेट्स आएंगी और आपस में अपने तो गेमीट्स के एक्सचेंज करेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी इसमें हेमलेट्स में भी क्लोन फिश। क्लोन फिश फिश के लिए अगर हम देखते हैं ये कोलन रीव्स के अंदर मौजूद हैं दे आर दी वेरी कलरफुल फिशेस क्लोन फिश के लिए इंपॉर्टेंट थिंग इज दे आर दे आर दी प्रोटेंड्रस प्रोटेंड्रस का मतलब क्या होगा कि अपने लाइफ के पहले हिस्से में ये क्या होती हैं मेल हैं बाद में जाकर जहाँ वो फीमेल होते हैं अच्छा क्लोन फिश अगर हम इसको ओवरऑल देखें इसकी ये छोटे छोटे ग्रुप्स की फार्मर रहती है जिसको हर्म्स बोलते हैं यानी एक सेपरेट ग्रुप है इस ग्रुप के अंदर एक बड़ी फीमेल है जो कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है और एग ले करती है बड़ी फीमेल के साथ एक रिलेटिवली स्मॉलर मेल मौजूद है यानी फीमेल की नस्बत मेल का साइज क्या है स्मॉलर है लेकिन वो मेल जो है दैट इज रिप्रोडक्टिवली एक्टिव तो बड़ी फीमेल और छोटा मेल दोनों क्या है कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं आपस में क्या करेंगे उस रिप्रोडक्शन के लिए जाओ अब इस बड़े मेल के जो छोटे बड़ी फीमेल के बाद छोटा मेल और फिर उसके बाद स्मॉलर मेल्स जो हैं वो उस ग्रुप में मौजूद होते हैं अब अगर एक्सीडेंटली बड़ी फीमेल की डेथ हो जाती है तो वो जो मेल था जो एक्चुअली पहले स्पोम प्रोड्यूस कर रहा था वो बड़ी फ़ीमेल की डेथ के बाद के क्या करेगा फ़ीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा अब पहले वो मेल था बाद में क्या हो गया कि वो फीमेल में कन्वर्ट हो गया उसने एग प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं जबकि जो जो स्मॉलर मेल्स मौजूद थे जो कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं थे उनमें से एक जो है वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगा और रिप्रोडक्टिव मेल तो ऑलरेडी वो था वो स्पोम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया यानी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाएगा तो इस तरह से जैसे जैसे फीमेल की डेथ हो ची चली जाएगी मजीद पीछे जो मेल होगा वो फीमेल में कन्वर्ट हो चला जाएगा और ये लाइफ जो है ये इस तरह से इनका जो है वो कॉलोनी स्ट्रक्चर या कह सकते हैं ग्रुप का स्ट्रक्चर जो है मेनटेन रहेगा ये तो अब क्लोन फिश लाइफ के पहले स्टेज में क्या है दे आर मेल बाद में फीमेल हो रहे हैं तो इट मीनस दे आर प्रो यानी पहले वो मेल हैं बाद में फीमेल में कन्वर्ट हो रही हैं फिर वी हैव पिक्चर ऑफ क्लोन फिश ये कलरफुल पिक्चर आप देख सकते हैं कि ये रेसिस रेसेस के लिए बताया जाता है कि ये ज्यादातर जो है वो दे दे आर प्रोटोगाइनस प्रोटोगाइनस का मतलब ये है कि इनिशियली लाइफ के पहले हाफ़ में ये फीमेल हैं बाद में जो है वो मेल में कन्वर्ट हो जाती हैं ठीक है दे आर आल्सो कलरफुल फिशेस एंड दे आर प्रेजेंट इन द कोरल रीफ्स।